नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रॉफिट बाजार पे। एंड मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी सेफ़ होंगे आपके घरों में, एंड लॉकडाउन का आप सब अच्छे से पालन कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो हमारे उन दोस्तों के लिए बनाई है, हमारे कई दोस्त जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये स्टॉक के बारे में, एंड जिसमें उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। एंड कई दोस्त हमारे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा ये वीडियो के अंदर। एंड आप काफ़ी हद तक श्योर हो जाएंगे इस बात को लेके कि आपको क्या करना चाहिए ये स्टॉक के लिए। एंड उसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी इतने टाइम तक जो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा होल्ड बना के रखा था कंपनी ने, तो अचानक से कंपनी के अंदर डाउनफॉल क्यों आ गया, मैं आपको उसका भी रीज़न दूंगा। एंड आपको मैं एक ऐसी न्यूज़ बताऊंगा दोस्तों आज जो इस मार्केट जो इस स्टॉक को काफ़ी हद तक अफेक्ट करने वाली है, तो हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस न्यूज़ से, तो ये भी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, ना आपको कुछ भी हेल्प मिले, आपको ऐसा लगे कि अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया थोड़ी भी, तो हमको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा स्टॉक है आज का ITC लिमिटेड, बेसिकली ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों FMCG में। अगर हमारे कुछ दोस्त जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड वो डर रहे हैं कि ये कंपनी और गिरेगी या ऐसा कुछ भी, तो दोस्तों देखिए मेरा ये कहना है कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी पे बिल्कुल जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं, कंपनी टॉप FMCG कंपनीज़ के अंदर आती है एंड काफ़ी अच्छा मार्केट में पोजिशन होल्ड करती है। कंपनी अपना टाइम टू टाइम डिविडेंड देती है अपने जो है शेयर होल्डर्स को, एंड इसके अलावा एक अच्छी रेपुटेड पोजीशन है दोस्तों कंपनी की मार्केट के अंदर, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक ने हालांकि काफ़ी डाउनफॉल दिखाया है अभी कुछ दिनों के अंदर, बट मैं इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ दोस्तों, एंड आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि कंपनी आपको डेफिनेटली थोड़े ही टाइम में कम बैक करती हुई दिख जाएगी। तो जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो बिल्कुल डरे ना, उनको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी डेफिनेटली कम बैक करेगी थोड़े ही टाइम में। एंड जो दोस्त हमारे सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं उनको बता दूं कि दोस्तों ये टॉप FMCG कंपनीज में से एक है, एंड अभी जो ये प्राइस है आज की डेट में जो कंपनी का प्राइस था वो ऑलमोस्ट 162 रुपीज़ पर पहुंच गया था। तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूं कि इस प्राइस पे ऐसी कंपनी आपको फिर आगे नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू से, एंड आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगी, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। एंड इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है मार्केट के ऊपर होल्ड रखा था काफ़ी टाइम से, अब ज़्यादा अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट दिख नहीं रहा था, एंड अचानक से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिखा, तो मैं आपको उसका भी रीज़न बता देता हूँ। तो कंपनी ने दोस्तों मार्केट के अंदर एक अच्छा पोजीशन होल्ड इसलिए करके रखा था क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कंपनी है उन्होंने बीच में अनाउंस भी किया था कि वो जो अपना प्रोडक्शन है कंज्यूमर गुड्स के लिए, फिर जो ये कोरोना वायरस पैंडेमिक में जो गुड्स की नीड्स हैं सोसाइटी की, उसको फुलफिल करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों एक कॉमन सेंस वाली बात है ये कि अगर कोई कंपनी है, अगर सपोज़ मेरी कोई कंपनी है एंड मेरी अगर कंपनी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है, तो डेफिनेटली उसका सेल इंक्रीज़ होगा, उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, एंड अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी दोस्तों तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर ग्रो होगी, एंड अपना रेपुटेशन जो है, अपना जो पोजीशन है मार्केट के अंदर वो भी बढ़ाएगी, एंड डेफिनेटली अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट देगी। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने नोटिस किया, एंड जिसकी वजह से उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया ये कंपनी के अंदर, एंड जिसकी वजह से कंपनी ने एक ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा होल्ड बना के रखा हुआ था मार्केट में ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ से। एंड इसके अलावा दोस्तों कंपनी सडनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिखा रही है, वो क्यों, तो अब मैं दोस्तों उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों ये काफ़ी एक ट्रस्टेड सोर्स है, तो बिल्कुल ट्रस्टेबल है ये सोर्स जहाँ से मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी एक न्यूज़ जारी की है, द इकोनॉमिक टाइम्स, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों बताया है कि वो काफ़ी सारी कंपनीज़ में जो उनका स्टेक है वो सेल करने वाले हैं। तो ये वो प्लान कर रहे हैं एक्चुअली कि वो काफ़ी सारी कंपनीज़ में अपना स्टेक सेल करें, ताकि समवेयर उनका जो प्लानिंग है वो 22,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो जनरेट करने का है, जिससे कि वो ये पेंडेमिक के टाइम में फाइट कर सकें। तो बेसिकली दोस्तों ये भी एक बैड न्यूज़ थी कंपनी के लिए, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर आप डाउनफॉल देख सकते हैं। एंड बेसिकली अगर
ये अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों किया नहीं है, बट ऐसी न्यूज़ निकली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्लान कर रही है कि वो काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर अपने स्टेक सेल करने वाली है, जिसमें से ITC लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक दूसरा रीज़न था। तो ये कुछ रीज़न थे दोस्तों मार्केट के अंदर डाउनफॉल का। आप ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो हमको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।